तो यार ये कहाँ मैच रख लिए है भाई, ये साउथ अफ्रीका में यार। तुम्हारी बारिश कभी इस जन्म में खत्म होगी कि नहीं होगी हमें बता दो यार। मुझे तो लगता है भैया तीसरा T20 आएगा उसमें भी बरसात ले जाएगी मैच। तो इस मैच में भी यही हुआ, लग रहा था कि जब इंडिया की बैटिंग हुई तो ये मैच आराम से चल जाएगा, लेकिन इंडिया के मैच के बाद भी, सॉरी इंडिया की इनिंग के बाद भी यार बारिश हो गई फिर से। और बारिश के चलते हमें एक सीन देखने को मिला कि वहां पे राहुल द्रविड गाली देते हुए, पहली बार मैंने राहुल द्रविड को गाली देते हुए सुना है। बट वो उनका जायज भी था कि आउटफील्ड पे इतना पानी हो गया था भाई, वो नदी बन गया था ग्राउंड एकदम भाई, हाथ से लेकर टपक रहा था हाथ से, ऐसा वाला हो गया था। सो फाइनली पहले मैच रद्द होने के बाद दूसरा T20 हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और भाई एक तो बात कंफर्म हो गई है कि बॉलर्स के लिए तो अभिशाप बन गया T20 भाई। कहा जा रहा था कि मात्र 150 एवरेज 160 रन बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 150 बना दिए थे कल, और ये मार मार के भरता बना दिया था भाई। सिर्फ स्पिनर्स थोड़ा बहुत संभल पा रहे हैं T20 में, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ बीमारी सीरीज हुई है भाई। पेसर्स का तो धुआं कर दिया भाई, हर कोई हर कहीं मार रहा है, हर कोई बैट्समैन हर कहीं मार रहा है हर बॉलर को। तो कल के मैच पे अगर आ जाए तो कल के मैच में ये हुआ कि इंडिया ने पहले बैटिंग चुनी या उनको दी गई पहले बैटिंग, और हमारे दोनों ओपनर हमारे बहुत ही फ्यूचर हमारे दोनों जीरो रन पर आउट हो गए, क्योंकि अभी अहमदाबाद पे खेलने की आदत है, थोड़ा लो बाउंस। अब सीधा साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो इतना हाई बाउंस आएगा। तो अभी एक बंदा तो दुबई से आ रहा है तो थोड़ा थका हुआ है यार, अभी जेट लैग हो रहा, हां जेट लैग हो रहा होगा दिमाग में अभी एक मैच के बाद, जब दूसरे मैच में भी अभी टेस्ट मैच में भी होंगे। तो अभी थोड़ा शुभमन गिल का ये वाला फेज रहेगा, जैसे विराट कोहली का इंग्लैंड में रहा था, फिर इसके बाद शुभमन गिल बड़े प्लेयर बनेंगे अहमदाबाद में जब फिर से मैच होगा। तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव जी आए यार, उन्होंने बता दिया कि क्यों उन्होंने कप्तान फिर से बता दिया कि कप्तानी का कोई प्रेशर है ही नहीं उनपे, जरा सा भी नहीं है भाई। क्या खेला है भाई ने, और एकदम से ही शिफ्ट भाई जो किया है भाई, वही मोमेंटम को कैरी ऑन किया इंडिया से सीधा हमारे सीधे साउथ अफ्रीका में भाई। कहां कहां शॉट नहीं मारे हैं सूर्य कुमार यादव में, और भाई ओडीआई हो गया है, ओडीआई से ना कंपेयर करो सूर्य कुमार यादव को, ठीक है चला गया पास हमने। कुछ निचले जो कमेंटेटर है गौतम गंभीर जैसे जो कहते रहते हैं हर चीज में उल्टी बात बोलनी, इस बंदे को हर चीज में उल्टी बात बोलनी है, सीधी बात कभी बोल ही नहीं पाया। ये वर्ल्ड कप में कहां था ये फॉर्म भाई, तुम क्यों कह रहे हो चला गया। रोनाल्डो पसंद है या मेसी? मुझे रशफोर्ड पसंद है, मुझे तो मैन यूनाइटेड के यार, रोनाल्डो को मेसी क्या है। तो इस पे ये भी आ रहा है कि रोनाल्डो विराट कोहली के फेवरेट है और मेसी थाला के फेवरेट है, तो गौतम गंभीर को कोई भी पसंद नहीं है। सो इसके क्या है, बहुत ही अजीब आंसर देता है, उल्टे आंसर इग्नोर मारता है। तो सूर्य कुमार यादव से पहले तिलक वर्मा ने थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन वो अच्छे स्टार्ट को भुना नहीं पाए। लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ है हमारे रिंकू सिंह, टॉक ऑफ द डे है जो भाई, वो है रिंकू। इससे पहले जब हमारे तीन प्लेयर आउट होते थे पांचों में हमारे थाला आते थे, अब थाला की जगह आते हैं रिंकू सिंह, और भाई दोनों ने दिल जीत रखा है भाई। रिंकू 50 मारा है पहला, पर मुझे लग रहा है कि पिछले जितने भी इन्होंने रन बनाए ना सब ऐसे ही वो खेलते आए, और इतना लगता ही नहीं है कि वो नया बैट्समैन है, इतना मैच्योर प्लेयर लगता है ना ग्राउंड पे कि इतना 100 साल से इंटरनेशनल मैच खेलता है, कोई प्रेशर नहीं लगता है भाई के चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज में कंधे हमेशा टाइट रहते हैं भाई, और लंबे लंबे बढ़ के जो छक्के मारे ना उसने, आखिरी दो छक्के जो मारे हैं लंबे लंबे भाई साहब, दिल जीत लिया भाई। तो उनके चलते 180 तक पहुंच पाए इंडियन 19.3 ओवर में, उसके बाद बारिश चल गई, फिर बारिश इतनी रही कि पांच ओवर भी ले गई साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका को ओवरऑल 150 रन चेस करने थे 15 ओवर में, तो साउथ अफ्रीका तो इस वे में आए थे कि हम 10 ओवर में चेस कर देंगे, ऐसे वो मार रहे थे भाई, वो तो मुश्किल से एक रन आउट हो गया। हाँ वो रन आउट हुआ, शुरू वाला रन आउट हो गया, लेकिन उसके बाद जो उनके हेंड्रिक्स मार रहे थे भाई, उन्होंने 49 रन किया 27 बॉल में, उन्होंने कुत्ता बना दिया था भाई, उन्होंने धागा खोल दिया, उन्होंने और माकरम ने अकेले मैच ले गए थे। उसके बाद भाई बॉलर तुम इतना मार खा लोगे, मैं मतलब कहना चाहूंगा कि हालांकि सिराज ने रन पड़वाए हैं पर बॉलिंग वो बहुत शानदार कराई, सिराज के आधे से ज्यादा रन तो मुझको लगता है एज वेज के गए, और उन्होंने जितनी अच्छी बॉलिंग कराई है वो दिख नहीं रहा था उनके रिकॉर्ड में। पर अर्शदीप से बहुत डिसअपॉइंटिंग भाई, उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कुछ खास नहीं किया था, और मैं जडेजा से भी डिसअपॉइंट, जडेजा से भी बैटिंग आपको एक रिकॉर्ड बता दूं मैं, T20 में जड़े से ज्यादा स्ट्राइक रेट अर्शदीप का है अब देख लीजिए अब, और अब अच्छी थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं यार, मतलब बहुत खुल के खेल रहा है, डर डर के आप एक ऑलराउंडर हो, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, आपको भी ऑलराउंडर आता है आपके नाम में, बट बैटिंग का वो फॉर्म नहीं दिख रहा है आपका।
इनकी वजह से अश्विन को बैठना पड़ता है, जो कि एक नंबर वन बॉलर है, हर जगह अश्विन बैठा गया है, फाइनल में भी आप टेस्ट में भी बैठा दिया जाता है। मतलब जडेजा नंबर वन नाम है हर जगह पे, आप अक्षर पटेल ले लीजिए, अश्विन ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, सबसे पहले आपको ही चुना जाता है, तीन चार बंदे बैठे हैं आपके पीछे, तो आप पे बहुत बड़ा नाम है जडेजा, बहुत बड़ा नाम है, आपने भाई हर जगह रन बनाए हैं, हर जगह विकेटें ली हैं, लेकिन अब जो एक ग्राफ आपका बैटिंग में जो नीचे आया ना कुछ टाइम से, वो ऊपर, आप बहुत बड़े फैन हैं जडेजा के, और हम चाहते हैं कि भाई बैटिंग में बहुत अच्छा करें, और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मैं ये भी डिमांड करूंगा कि कोई और प्लेयर जगह खेले। जी बिल्कुल, ऐसा बैगेज लेकर नहीं चल सकते आप, ठीक है, और मेरे को उम्मीद है कि जडेजा अच्छा करेंगे, उन्हें भी पता है कि उन्हें बैटिंग में कमी आ रही है, हर जगह से क्रिटिसाइज हो रहा है, तो मुझे लगता है जडेजा कमबैक करेंगे बैटिंग में भी। तो मोटा ओवरऑल यही है, बहुत आराम से साउथ अफ्रीका ने सात बॉल रहते, आई थिंक सात आठ बॉल रहते, चेस कर लिए आराम से, बहुत ही आराम से मार मार के उनके, आठ तक तो बल्लेबाज थे उनके सारे, बल्ले नीचे तक तो बल्लेबाज उनके, और रिंकू सिंह के दुख हुआ, रिंकू सिंह का पहला 50 था बट हम बचा नहीं पाए, हमारे बॉलर्स रन नहीं बचा पाए, तो फिर मोटा मोटा यही है। और अब एक जो मेन बात है कि सीरीज ड्रॉ करा सकते हैं, जीत तो नहीं सकते हैं पर ड्रॉ करा सकते हैं, वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका की पिचे हैं, बारिशें हो रही हैं, और मुझे तो लगता है रद्द भी हो जाएगा अगला मैच, और बट मैं ये चाहता हूँ T20 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट मैचेस में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए बारिश से, इसके बाद टेस्ट, इसके बाद ओडीआई हमारे, फिर टेस्ट मैच है, तीन ओडीआई सीरीज है, फिर टेस्ट, दो तीन ओडीआई मैचेस है, फिर दो टेस्ट मैचेस है, तो आई होप कि तब तक बारिश कम हो जाए यार, टेस्ट हमें ढंग से, और हम आज तक सीरीज नहीं जीते हैं टेस्ट की साउथ अफ्रीका में, बड़ी बात, पिछली बार हम बहुत क्लोज आ गए थे बट इस बार हमें वो सीरीज जीतनी है टेस्ट की, ठीक है, तो यही है मोटा मोटा, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट लगी है इस मैच में, और अब तक की आप कौन लग रहा है, कौन उभर रहा है, मेरे हिसाब से तो रिंकू सिंह, रिंकू सिंह कोई उसमें है नहीं, आप हमें ये बताएं कि रिंकू सिंह के अलावा और कौन उभर रहा है टीम में, और किससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड, आप ये बताएं रिंकू सिंह अलग कॉन्वर्सेशन है इस समय, अलग फॉर्म में रिंकू सिंह, तो यही है, तब तक के लिए अगले मैच में मिलते हैं आपसे, जैसे होता है मैच, अगर होता है नहीं होता है तो तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, इसी नोट पर एंड करेंगे, जय हिंद।